गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन टुडे आवर टॉपिक इज ईटिंग टूगेदर चैप्टर नंबर एलेवन क्लास फोर्थ सब्जेक्ट तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन पेज नंबर नाइन्टी वन ईटिंग टूगेदर लिखा है क्लास पार्टी द स्कूल री ओपन टोडे आफ्टर द वकेशन्स द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड दियर होली डेज अब ये क्लास पार्टी के बारे में है बच्चों बच्चे क्लास में पार्टी कर रहे हैं तो हमें आज उसी के बारे में पढ़ना है तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि दो जो स्कूल्स थे वो रीओपन हो रहे थे आज उनके स्कूल री ओपन हो रहे थे इनको वकेशंस थी छुट्टियाँ थी तो छुट्टियों के बाद इनके स्कूल रीओपन हो रहे थे द स्कूल शेयर्स न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पैंड देयर हॉलीडेज तो सारे बच्चे जब स्कूल में आए तो एक दूसरे के साथ न्यूज़ शेयर करने लगे कि मैं हॉलीडेज़ मेरी कैसी रही हम कहाँ कहाँ गए थे वन डिड यू पुट मेहंदी ऑन यूर पार्म अब एक बच्ची ने दूसरे को पूछा कि आपने ये अपने हाथों की हथेली पे मेहंदी कहाँ से लगाई है कब लगाई है मीना आस्क आरती को किसने पूछा मीना ने आरती से पूछा अब आरती ने क्या बोला एट माय अंकल्स वेडिंग तो आरती ने बोला कि मेरे अंकल की वेडिंग थी अंकल की शादी पे मैंने ये मेहंदी लगाई है आरती सेड यू मस्ट हैव हैड ए लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग तो मीना बोलने लगी तो आपको तो शादी में बहुत मज़ा आया होगा बहुत हंसी मजाक किया होगा आपने डेविड सेड ओ येस आई इन्जॉय द वेडिंग फीस द मोस्ट अब डेविड भी बोलने लगा कि हाँ हमें बहुत मज़ा आया हमने शादी में बहुत इंजॉय किया बहुत खाया हमने आरती सेड एट द वेडिंग वी हैड फन विद ऑल माई कज़ंस एंड अदर रिलेटिव ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर आतिक ने क्या बोला आतिक ने बोला मेरे अंकल की शादी पे हमने बहुत मजाक किए हमारे, हमारे बहुत सारे कज़न्स आए थे कज़न्स हुए जैसे आपकी मासी के बच्चे हों आपके चाचा जी के बच्चे हों ना no, आपके मामा जी के बच्चे हों उनको हम कज़न्स बोलते हैं तो क्या बोला वी हैड फन विद ऑल माय कज़न्स एंड अदर रिलेटिव ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर तो बोलने लगी हम सब कज़न्स ने शादी पे बहुत मज़ा किया खाने में भी बहुत मज़ा आया हमें और भी बहुत हंसी मज़ाक हमने किया आरती सेड वाई डिडेंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल आप क्या बोला बोलने लगे कि क्यों आ, क्या हम स्कूल में ऐसी नहीं पार्टी नहीं कर सकते जैसे आ, आपने वहाँ पे शादी पे मज़े किए हैं क्या हम स्कूल में नहीं कर सकते अस आल्सो हैव सम फन टुगेदर रिहाना आस्ट अब जो रिहाना भी थी इनके साथ तो ये बच्चे डिस्कशन आपस में कर रहे थे अब रिहाना बोलने लगी कि चलो आज हम स्कूल में भी फ़न करते हैं आई हैव एन आइडिया डेविड सेड डेविड ने क्या बोला डेविड बोलने लगा कि हाँ मुझे तो एक आइडिया आया है वाई डोंट वी हैव ए क्लास पार्टी क्यों ना हम आज क्लास पार्टी करें देन वी कैन ऑल्सो ईट एंड हैव फन टूगैदर तो इससे हम मज़े से खाएँगे भी और हँसी मजाक भी करेंगे आपस में वी हैव पार्टीज़ इन आवर कॉलोनी वन एवर दियर इज़ ए फेस्टिवल क्या बोलने लगे ये पार्टीज़ तो हमारे जहाँ हम रहते हैं जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ पे ये पार्टीज़ कब होती हैं जब कोई फेस्टिवल होता है मतलब जब कोई बड़ा दिन होता है वही कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरी वन फॉर द पार्टी हम क्या करते हैं जब कोई बड़ा दिन आने वाला होता है हम सभी से पैसे जमा करके पार्टी की तैयारी करते हैं वी कुक समिश एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट हम कुछ चीज़ें खाने की चीज़ें बनाते हैं और कुछ चीज़ें हम बाज़ार से भी खरीद के लाते हैं रिहाना सैड को किसने कहा रिहाना ने कहा तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे बाकी का नेक्स्ट टाइम ओके टेक केयर